नमस्कार, मैं दिनेश भोजक पहल क्लास सरदार शहर से। आपा पढ़ा हाँ राजस्थान को इतिहास। राजस्थान का इतिहास में पढ़ रहा मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत में अब तक आपा पढ़ चुका हाँ बे गुहिलू लेगर रावल रतन सिंह। कठू ले गए, गुहिल से शुरू हुए थे हम, और गुहिल से कहां तक पढ़ लिया, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, ये रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके इस रावल शाखा का अंत कर दिया था। ये चर्चा हमने कल की थी ना जी सर। आज चर्चा करते इससे आगे हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया था और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था, और इस खिजर खां के बाद यहां का जो प्रशासक बना था उसका नाम था मूछाला मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा, और मूछाला मालदेव सोनगरा के बाद यहां का प्रशासक बना था बनवीर। कौन बना था? बनवीर। जब बनवीर प्रशासक था तो 1326 में, कब है, 1326 में सिसोदा का जागीरदार, कहां का जागीरदार, सिसोदा का जागीरदार जिसे हम राणा हमीर कहते हैं, इस राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करके संपूर्ण मेवाड़ में पुनः गुहिल राजवंश की स्थापना कर दी थी। देखो, दिल्ली के सुल्तान को अधिकार, बीग शासक के अधिकार क्षेत्र में मेवाड़ को मुकट चित्तौड़, और बापा छीन लियो छोटी सी जागीर को जागीरदार, सिसोदा गांव को जागीरदार। तो देखो, ई खातर ई हमीर ने मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ प्रशस्ति हुई, उसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ई हमीर ने विषम के कह, देखो विषम घाटी पंचानन की उपाधि दे दी है। तो राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसे केवल विषम घाटी पंचानन नहीं, इतिहासकार इसे मेवाड़ का प्रथम उद्धारक भी कहते हैं। तो मेवाड़ का प्रथम उद्धारक किसे कहा जाता है, तो राणा हमीर को कहा जाता है। ध्यान रखना, रावल शाखा रावल रतन सिंह के साथ ही समाप्त हो गई थी, और अब मेवाड़ के शासक जो आगे है वो राणा शाखा के आगे, इस हमीर के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं उनके नाम के आगे राणा या महाराणा लगा है, और नाम के पीछे क्या है, सिसोदा, क्योंकि सिसोदा गांव के थे, सिसोदा ग्राम के जागीरदार थे, इसलिए नाम के पीछे सिसोदिया और नाम के आगे राणा और महाराणा लगाया गया है। ये हमीर जिसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण, किसका, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में किसके द्वारा करवाया गया था, तो राणा हमीर के द्वारा करवाया गया था। इस हमीर के बाद यहां का जो शासक आया था, मेवाड़ का जो शासक आया था, वह था क्षेत्र सिंह। कौन था? क्षेत्र सिंह। ये क्षेत्र सिंह वही क्षेत्र सिंह है जो बूंदी के शासक बर सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो राणा हमीर के बाद क्षेत्र सिंह शासक बने, और क्षेत्र सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, बरसिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, और बरसिंह कहां का शासक था, बूंदी का शासक था, और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस क्षेत्र सिंह के बाद इस रियासत का
जो शासक आया, बड़े प्रश्न उठते हैं इस शासक से परीक्षा के अंदर, जिसका नाम है लक्ष्य सिंह। कौन आया? लक्ष्य सिंह। ये लक्ष्य सिंह कौन है? लक्ष्य सिंह, ये लक्ष्य सिंह वही लक्ष्य सिंह है जो क्षेत्र सिंह का पुत्र है। किसका पुत्र है? ये क्षेत्र सिंह का पुत्र है। अब बात आती है लक्ष्य सिंह कौन है? लक्ष्य सिंह, ये लक्ष्य सिंह वही लक्ष्य सिंह है जो राणा लाखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राणा लाखा के नाम से जाना जाता है, यानी राणा लाखा का ही नाम लक्ष्य सिंह है। ये लक्ष्य वही लक्ष्य जिसके शासन काल में जावर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? जावर क्षेत्र में चांदी की खान खोजी गई थी। यानी लक्ष्य सिंह के शासन काल में, देखो राजस्थान भारत में चांदी के उत्पादन में आज भी नंबर वन है, और चांदी का उत्पादन भारत में कब, राजस्थान में कब से होने लग गया था? लक्ष्य के काल में चांदी की खान का पता चल गया था। ये लक्ष्य वही लक्ष्य है जो राणा लाखा के नाम से जाना जाता है। ये लक्ष्य वही लक्ष्य है जिसके शासन काल छित्तर बणजारे ने, कौन से बणजारे ने? छित्तर बणजारे ने वर्तमान जो उदयपुर है उस उदयपुर के पास पिछोला झील का निर्माण करवाया था अपने बेल की स्मृति में। यानी पिछोला झील का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह के शासन काल में हुआ था, और पिछोला झील का निर्माता कौन था? छित्तर बणजारा था। और छित्तर बणजारा ने पिछोला झील कहां बनाई? जो वर्तमान उदयपुर है उस उदयपुर के पास ही पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? अपने बेल की स्मृति के अंदर करवाया था। ये छित्तर बड़ी प्रसिद्ध चीज है राजस्थान की। छित्तर के नाम से बहुत चीजें प्रसिद्ध है, छित्तर की पहाड़ी, छित्तर पैलेस, छित्तर बणजारा, और जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है ना, उसमें जब कोई दो आपस में लड़ाई करता है तो फिर छित्तर बढ़ेगा, यानी जूता। तो छित्तर बणजारे ने वर्तमान उदयपुर के पास कौन सी झील का निर्माण करवाया? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये लक्ष्य सिंह है वही लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है? जो बूंदी के शासक बरसिंह के विरुद्ध कई असफल अभियान चलाए थे, कई असफल अभियान चलाए। यानी पिता बूंदी के शासक बरसिंह के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा ने बरसिंह के विरुद्ध अभियान चलाए, लेकिन कभी भी सफलता प्राप्त नहीं। ये बल लक्ष्य सिंह वही लक्ष्य है जिसके साथ मिट्टी के दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है। कौन से दुर्ग की कथा जुड़ी हुई है? मिट्टी के बहुत ताकतवर शासक था, बड़ा ही वीर योद्धा, मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक, ये लक्ष्य यानी राणा लाखा, और ऐसे वीर योद्धा के साथ मिट्टी के दुर्ग की कथा। ये मिट्टी के दुर्ग की कथा, ये जो मिट्टी का दुर्ग है, ये मिट्टी का दुर्ग बूंदी का ही है। कहते हैं कि जब बार बार अभियान किए और सभी अभियानों में राणा लाखा असफल हुए, तो भयंकर क्रोधित हो गए थे, और क्रोध में प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को फतेह नहीं कर लेता, जब तक बूंदी के दुर्ग को मैं जीत नहीं लेता, तब तक मैं जल और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखो खाता पीता ही जब बूंदियों के लोगों ने जीत सकिया, तो भूख मरिया तिस्या मरिया बूंदी के किले पर अधिकार उजागोगे? उजागोगे कौन?
के उसी राणो तो क्योंकि प्रतिज्ञा ले ली और मेवाड़ वो महाराणा प्रतिज्ञा ली है तो प्रतिज्ञा जे तोड़ दे तो भी मृत्यु के समान और न तोड़े तो जेठ को महीने में चौखी बढ़ तो पड़े भाई जी कल्लो सूख जिया तो किसा यो मर्श तो राणो तो मुहे हो गए। लेकिन मंत्री भे बड़ा शाना हुआ मंत्री सोचा राणा जी ने तो अब मरणो पड़ी तो कोई उपाय तो कह जिका मंत्री वर्ग हो वो मंत्री वर्ग वो तोड़ काट्यो और बूंदी जिसो ये एक बूंदी को दुर्ग मिट्टी को बना दियो और शाम तक दुर्ग बना गए महाराणा लाखा कने पूग गया मंत्री सेनापति सगड़ा भेड़ा हो गए कह किया महाराणा चला बूंदी अभियान पर जीता बूंदी। राणा सोचियो रे वाह बूंदी जीतांगा आपा दो तो चल दो तो कह के महाराणा लाखा ने कई देर तो बूंदिया रे मार्ग पर ले गया फिर मार्ग फंटिया मार्ग फंटता ही राणो लाखो कह रहे बूंदी तो इन्ने इन्ने किन्ने चल लो के कह जीणो है ये जीणो तो है कह तो मेका अभियान कर देख बो दुर्ग बनाए डो माटी हो है नी बूंदी को किले जिसो को जिसो कह तो आल तीर आल तलवार और गाजर मूड़ी टांगेड़ी बे गाजर मुड़ी है जिका सैनिक बाने काट दे बाढ़ दे दुर्ग ने ध्वस्त कर दे और पानी पी लियो महाराज। तो कह राणा लाखा ने जैसे ही इस मिट्टी के दुर्ग पर वार किया वार का प्रतिवार आया कहते हैं इस मिट्टी के दुर्ग में स्वाभिमानी कुंभाहाड़ा जो कि बूंदी का था कुंभाहाड़ा आकर बैठ गया था और अपना आत्म बलिदान दे दिया था। इस तरह से इस राणा लाखा के साथ मिट्टी के दुर्ग की कथा भी जुड़ी हुई। राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसका विवाह रणमल राठौड़ की बहन रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ शर्त हुआ था हंसाबाई। अरे इतो बड़ो राज्य इतनी तकड़ी रियासत को शासक और परिणीति में खातर शर्त जचे लेकिन हुई न जचे तो क्या हुई क्यों हुई बिंगो कारण उसको रणमल राठौड़ और रणमल राठौड़ मारवाड़ गए राव चूड़ागो पुत्र मारवाड़ गए राव चूड़ागो और राव चूड़ा को उत्तराधिकारी भी हो यानी राव चूड़ा के बाद मारवाड़ को शासक बनने को अधिकारी भी हो युवराज हो लेकिन राव चूड़ा इनने उत्तराधिकारी नेमणा गए रणमल राठौड़ ने उत्तराधिकारी नेमणा गए आप गए छोटे बेटे कान्हे ने उत्तराधिकारी मुकेश कितना भाई हो थे दो भाई हो गए तो दो भाई हो मान ले तू बड्डो है और तेरे लो भाई जी को है तेरु छोटा तेरो बापू आप भी है आप भी छोटी है बेटे के नाम कर ले छोटोड़े भाई के नाम कर ले खेत ही छोटोड़े भाई के घर ही छोटोड़े भाई के सगड़ो छोटोड़े भाई ने दे दे तन्ने की ने दे तू के कर रहे लठवा रहे दो है वे बाप बेटा टांगियां तोड़ दे तेरी तू जादू लाओ कि मन की कोद दियो ए चल जा गन छोड़ गई जैसी यूं ज्यादा तेरे गन कोई सम्मान कोई की कौन कछ कहते तो ये रणमल राठौड़ भी रूस गए मारवाड़ छोड़ गए किंग की सेवा में आयो लक्ष सिंह की सेवा में आयो राणा लाखा की सेवा में आयो राणा लाखा रणमल राठौड़ ने दरबार में बड़ो मान सम्मान और इज्जत दी और इन आप रखने रख रणमल राठौड़ की बहनी हंसाबाई और ये लक्ष सिंह यानी राणा लाखा को एक पुत्र जिसको नाम हो कुंवर चूड़ा ध्यान रखिया कुंवर चूड़ा राणा लाखा को बेटो राव चूड़ा रणमल को बापू उलझ ना जाया कंफ्यूज ना हो जाए राव चूड़ा आते ही मारवाड़ का शासक रणमल का पिता और कुंवर चूड़ा आते ही राणा लाखा का पुत्र
तो ये दोनों सग है रेवता। कालांतर में मारवाड़ में इसी परिस्थितियां आई के मेवाड़ के सहयोग रणवन राठौर मारवाड़ को शासक बने। जब रणवन राठौड़ मारवाड़ को शासक बने तो रणवन राठौड़ विचार करो कि भाई मेवाड़ के सागा आपको बड़ो ही मधुर संबंध है, बड़ो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, तो ई मधुर संबंध ने ई रिश्ते ने दाड़ी में बदल लिया, क्योंकि इन्हें बहन ही हंसा भाई कुणी हंसा भाई। और हंसा भाई को ब्याह और रणमल राठौर एक कुंवर चूड़ेगा शागे कर गए रिश्तेदारी में परिवर्तन करो, रिश्तेदार मित्रताओ रिश्तेदारी शुरू करो, रिश्तेदार मनाना चाहो एक खातर आज आरो सो टाइम को नहीं हो। पहली तो जो दादो कर दे तो वो इक्कीस तो छोरो छोरी ने देखने जाते ना छोरी छोरे ने देखना दादो ही कर तो रणमल राठौड़ आपके दादा ने बुलाये दादो यानी बामन दादो और बामन दादा ने कहो कि भाई मे मारी भाई सा हंसा भाई ने मेवाड़ की रानी मनाण ने चाहवा तो थे जाओ मेवाड़ और दादो पूरी बात सुनी कोनी और मेवाड़ उड़ गयो। और मेवाड़ में जिया महाराज पंडित जी महाराज कुंवर चूड़ा ने मिलिया दादा राम राम है क्या राम 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 आज किन्ना आ गया गए किन्ना गेलो भूलिया गेलो बन भूलिया गए चला गया आया मैं मारी भाई सा ने मेवाड़ की महाराणी मनान आया। जिया कुंवर चूड़ा बात सुनी महाराणी को मतलब राणा की जिको राजा है शासक है बिंगी पत्नी कुंवर चूड़ो सोचो ओके कह दादो भैया मेवाड़ की महाराणी बापू पढ़नी जी आपने के ब्याह दिया बापू जाने बापू को काम जाने क्या दादा जल्दी जाओ वहां तो राज दरबार में ही है महाराज जल्दी जाओ। तो कह राज दरबार में जा गए दादो राणा लाखा ने कह भाई मे भारी भाई सा हंसा भाई को रिश्तो मेवाड़ के सागर करना चाह थारा सागर करना चाह तो नारेड़ो रिपियो स्वीकार करो। राणो लाखो दादे खानी पहली तो देखियो गोर क्योंकि राणो लाखो नाबालिग मात्र 62 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र में ब्याह और रिश्तो थोड़ी आवे कफन लकड़ी आवे 62 वर्ष की उम्र में ब्याह और रिश्तो दर्द लाखो सोचा हुआ ई उम्र रणमल राठौर जद नट्टे कौन कह चलो आपा रणमल राठौड़ ने राख्यो पाछो मेवाड़ को शासक बनने में आपा सहयोग करियो हो सके भी उपकार को बदलो चुकाने के खातर आपन ब्याह सवाई के सागे करे रिपियो नारेड़ ले लियो हाँ भर ली और दादो खोल पतड़ो तारीख फिक्स कर गया कि भाई ता तारीख ने बरात लेगा आओ मैं थारो स्वागत करा और मारवाड़ चले गए। और मारवाड़ में जाकर रणमल राठौड़ ने कह दियो कभी ब्याह की तैयारी करे ना ने कह ब्याह की तैयारी करो आओ पधारो। तो बिन्ने मारवाड़ में किंगे ब्याह की तैयारियां चाले हंसा भाई गए और मेवाड़ में किंगे ब्याह की तैयारी चाले लक्ष सिंह अली राणे लाख को 62 साल को हो तो मैं लिखा बापण तक दौड़ा उड़िया तो खिजाब खिजूब लगा गए प्यार होने लाग रो और कुंवर चूड़ो बापू को ब्याह की तैयारियां करण लाग रो कोई टेंट आ रहा ने बुला डीजी आ रहे ने रोर ने और चौकी पिठा जो ब्यूटी पार्लर में या बीटे तो लुगाया पिठा राणा लख गए बसन लाग रही है गीत गाइजन लाग रही है। लेकिन ई रणमल राठौड़ को कह एक दूत चित्तौड़ आयड और ई दूत ने ठा पड़ो के रणमल राठौड़ आपकी बहन को ब्याह राणा लाखा सा गए। दूत सोचो रहा ओ की करे गए तो कह दूत मारवाड़ में जागे रणमल राठौड़ क्योंकि दूत जी का होता बे शासका का आंख नाक मुंह होता शासका ने सही रिपोर्ट देना था तो दूत कड़ी उकड़ी बात कह दे तो राजा बुरो गुणवान तो रणमल राठौड़ ने वो दूत जार के जे करे तेरे हंसा भाई इतनी ही तो कोई उंडा से कुएं में घेर देतो के
दमाको तो जो कट्ठे प्रणाव है क्या कट्ठे कट्ठे प्रणाव किया बोले जे दूत नहीं हो तो नाड़ काट ले तो कहते बता मेवाड़ जी सी रियासत है क्या कटियार खोल गए देख क्या कौन नहीं। और मेवाड़ जी सी रियासत में भावी राणा के सागे प्रणाम के कह कहो भावी नहीं वर्तमान राणो तैयार होने लाग रियो है हैं कहा आ कई कई रणमल राठौर तो बटू थू मुठी कठा आ गयो चित्तो और चित्तौड़ आयो जो तो ब्याह की तेरे साल लाग लाखो जी पिट्ठी में सड़ा लाग रहा रणमल जी लाखो जी गण पूछा के करो के बीन उड़ू और के करूं क्या मी का तू ही तो रिश्तो भेजियो अरे थार खातर कोने भेजियो कुंवर चूड़े खातर अच्छा बात ही है तो लाखो जी आदेश दियो कुंवर चूड़े ने बुलाओ तो कुंवर चूड़े ने बुलाना भेजियो तो कुंवर चूड़ा जो उसको बापू ब्याह की तैयारी खातर के तो लोग मैं फलान की गाड़ी में जाऊंगा ओड्डी में जाऊंगा है आ ले आई बा ले आई कोई तैयारी तो तैयारी में ला गए तो जे कुंवर चूड़ो राणा लाखा कर गयो तो राणा लाखा भी ने की कौन पूछो जिके पिड्डे पर आप बैठे हो भी पिड्डे पर भी नहीं बिठा दियो लुगाया पिट्ठी मसलनी शुरू कर दी कई देर तो कुंवर चूड़ो पिट्ठी मसला तो मसला तो मांगे मारे धक्को खड़े हुए अरे कुंवर चूड़ो राणा लाखा ने पूछा पिताजी मन ठाया थारो ब्याह तो सवाई सागा हुए मन तो बता दो मेरो किन सागा हुए क्या इतनी देर तो मेरो हुए हो अब तेरो हुए देखो जब ब्राह्मण देवता चित्तौड़ आए थे तो सबसे पहली मुलाकात मेरी हुई थी उसी समय मैंने हंसा भाई को अपनी मां मान लिया है इसलिए हंसा भाई का विवाह तो किसके साथ होगा आपके साथ ही होगा जिये ही कुंवर चूड़ो के हंसा भाई को क्या तो किन सागर उसी थारे सागर उसी रणमल राठौड़ का कैंसिल क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो पोपट लाल है जो कैंसिल के तय कैंसिल मेवाड़ के महाराणा को भी आई कैंसिल किया उल्टा तो जिया ही रणमल राठौड़ को कैंसिल पकड़ गड़बड़ी को तक तो बहुत तक मोड़ चुड़ो मुंचो चकलियों का देख मैं तन मारवाड़ को शासक बना सका तो तेरी मुंडी भी उतार सका और ब्याह हुआ तो हंसा भाई हो मेवाड़ में हुआ और मेवाड़ में हुआ तो राणा लाखा गए सा गई फसियो नहीं रणमल राठौर कठे मित्रता ने रिश्तेदारी में बदलन जाओ और कठे गड़मा आ गई कमरवा दिया अब तो उल्टी पड़गी खाड़ी ने कई देर सोचो कि इस उपाय करा अपन यही नटद कभी ब्याह कैंसिल है तो हंसा भाई को ब्याह को निकलना पड़े और आपा भी सुखी यही सुखी तो कई देर सोचतो सोचतो क्या देखो आ बात आपा कहगा जब कुंवर चूड़ो नट जाओ और ब्याह कैंसिल हो जाएगा कह देखो भाई हंसा भाई को ब्याह करना तैयार हूं लेकिन एक शर्त है मेरे बोल के शर्त है कह देखो मेवाड़ में वर्तमान में राणा कौन है लाखो जी है मेवाड़ का महाराणा लाखा है लेकिन उत्तराधिकारी कुंवर साहब थे हो और मैं ब्याह जदी करूं हंसा भाई और राणा लाखा की संतान लाखा के बाद मेवाड़ की शासक बने तो ब्याह करूं नहीं ब्याह को नहीं करूं कुंवर चूड़े ने तो बापू प्रणाणो है मंजूर कोनी मना उत्तराधिकारी कोनी करा राज हंसा भाई और राणा लाखा की संतान ही शासक है मनाशिया समरवाही आज भी गलत कई देर हो सोचो सोचतो सोचतो कहते हो एक शर्त हो एक दो चार जल्दी बता लेट हुए तेरा वो टाइम जाएगा एक शर्त हो रहा है के एक दो चार है फटाफट बता कह देखो हंसा भाई और राणा लाखा को ब्याह तो दिन दोने का थारो ही ब्याह उसी का मैं कह रहा हूं उसी मेरे ही उसी तो दिन दोने हंसा भाई और राणा लाखा का संतान उसी का वैली के था थारे ही उसी का मैं के बाद जुड़े उसी मेरी उसी तो थारी संतान और हंसा भाई की संतान दोनों हम उम्र उसी का उसे कह और लाखो जी ने जब 100 साल पूग जा सी बिन ठेतो राजा को मनो थालो छोरो मार ले बाणी की नाड़ उड़ा दे तो इनको जवाब दियो ब्याह कर दूंगा या किसी को बात करे इनको कोई जवाब है कि
हाल तो जमी को नहीं पढ़नी जाए बापू, फिर मैं पढ़नी जो, फिर बापू गया कि उसी गन्ने उसी मेरे उसी, फिर मैं काका भतीजा बड़े प्रेम उरे से वांगे दुश्मनी उसी के, उसमें भविष्य की गर्भ की बात है, भविष्य को आज ही प्रमाण किया दे दियो, आज ही मैं गारंटी किया ले दियो, हुई कौन सके यार के इनको कह मैं कन तोड़ है, बस इनको तोड़ ही दियो, इनको तोड़ देता ही ब्याह कर दूंगा यार, पागल बात था करे मकन तो बोली तू दे अब की बार दसी हो गए, अब अप्पा ही निकांगा जो अपने गदीड़ मार के काट दी सीधन सबाई को ब्याह कैसे सुधी जी से तो कहते देखो इनको एक तोड़ है के थी ना परणी जो कुणे कुंवर चू, लेकिन कुंवर चूड़ो भी खतरनाक चीज है, तो बापू परनाणो कह चल मंजूर कोनी परनी जा, एक खातरी एक कुंवर चूड़े ने मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ को भीष्म के भाबार ने भीष्म पिता ने प्रणान खातरी सी प्रतिज्ञा ली, या कुंवर चूड़ो राणा लाखा ने प्रणान खातर इसी प्रतिज्ञा ली, मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को, तो लक्ष्य लक्ष्य कौन है जिसको हम राणा लाखा के नाम से जानते हैं, लक्ष्य कौन है जिसके शासन काल में चांदी की जावर क्षेत्र में खान खोज की, लक्ष्य कौन है, लक्ष्य वही लक्ष्य है जो राणा लाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और चित्तर बंजारे ने वर्तमान उदयपुर के पास अपनी बेल की समृद्धि में पिछोला झील का निर्माण करवाया था, राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसके साथ मिट्टी के दुर्ग की कथा जुड़ी है, राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसने बूंदी के शासक बरसिंह के विरुद्ध कई असफल अभियान किए थे, राणा लाखा वही राणा लाखा है जिसका विवाह रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ सशर्त हुआ था, राणा लाखा वही राणा लाखा जिसका पुत्र कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म के नाम से जाना जाता है, समझ में आयो, जे आयो बढ़िया लगे तो लाइक करिया, शेयर करिया, कमेंट करिया, सब्सक्राइब करिया, घंटी को बटन दबाया, बाकी को काले पढ़िया।